नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। तकरीबन 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी रण की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। सियासी पारी में उतरने की चाह रखने वाला हर उम्मीदवार आस लगाए बैठा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पार्टी उसी को मैदान में उतारेगी जो अपनी पार्टी में दमखम रखता हो। इसी दावेदारी की परख के लिए हाजिर हैं हम अपने खास कार्यक्रम रेस 2019 के साथ। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। पार्टी के उन नामों को लेकर जो मजबूती से अपनी दावेदारी रखते हैं और जनता उन पर क्या राय रखती है, हम एक खास सर्वे आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकट के दावेदारों पर जनता की पसंद नापसंद बताता हुआ टोटल टीवी का सर्वे रेस 2019। टोटल टीवी के सर्वे रेस 2019 में आज समालखा की बात करेंगे। समालखा के संभावित उम्मीदवारों पर जनता की क्या राय है ये जानेंगे। तो रेस 2019 के सर्वे को लेकर समालखा की जनता से हमने पूछा कि जनता की उम्मीदवारों के तौर पर पहली पसंद क्या है। संभावित उम्मीदवारों के नाम लेकर हम जनता के बीच में गए, जिस पर जनता ने अपनी मोहर भी लगा दी है और काउंटिंग सेंटर तैयार हो चुका है। काउंटिंग सेंटर से बड़ा फैसला भी आने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सोनी साहब हैं, केबी पंडित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पानीपत से, देवेंद्र कथूरिया हमारे ब्यूरो चीफ हैं पानीपत के, सुजीत कुमार जी हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत रेस 2019 के इस खास कार्यक्रम में। सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों में सभी किस किस मायने में हैवी वेट हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जिसका वजूद पार्टी में ज्यादा है, पार्टी भी मान रही है कि इसका कद ज्यादा है, उन नामों को लेकर हम जनता के बीच में गए। रेस 2019 के सर्वे में क्या है जनता की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में चुनावी हलचल अब तेज हो चुकी है और सियासी पारी में उतरने की चाह रखने वाला हर उम्मीदवार आस लगाए बैठा है कि किसी पार्टी से अगर टिकट मिल जाए तो वो भी अपनी किस्मत आजमा ले। लेकिन इस बार से इतर एक सच्चाई ये भी है कि पार्टी उसी को मैदान में उतारेगी जो पार्टी में दमखम रखता हो। दरअसल यहाँ लोग अभी किस पार्टी को वोट देंगे इसकी चर्चा कम कर रहे हैं, बल्कि चर्चा इस बात की ज्यादा कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसे टिकट दे रही है। और इसी को लेकर टोटल टीवी एक सर्वे कर रहा है और आज बारी है समालखा विधानसभा की, जहां इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। और इसी राजनीति के बीच टोटल टीवी की टीम संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर पहुंची समालखा विधानसभा क्षेत्र। और इस संभावित नाम हमने लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों में से, जो समाज में अहम पहचान रखते हैं। और इन्हीं प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों से मिले हमें चारों पार्टियों के नाम, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और एनएलओ में चुनाव लड़ने लायक और जनता के बीच लोकप्रिय दो दो तीन तीन सक्रिय नाम। और इन्हीं नामों को लेकर हम पहुँचे जनता के बीच और जानी उनकी राय। बता दें कि टोटल टीवी ने ये पूरा सर्वे 22 जून और 6 जुलाई को 2 दिन में किया है। टोटल टीवी की टीम समालखा विधानसभा क्षेत्र में 52 इलाकों में पहुंची। समालखा विधानसभा क्षेत्र में 2,06,201 मतदाता हैं। समालखा विधानसभा क्षेत्र में आधी से ज्यादा ग्रामीण आबादी है। इस सर्वे में टोटल टीवी की टीम ने समालखा विधानसभा में लगभग हर इलाके, गांव और कस्बे में पहुंचकर एक बड़ी संख्या में लोगों से राय ली। ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई पहला भी सर्वे नहीं है जो टोटल टीवी कर रहा है। टोटल टीवी अक्सर जनता के बीच जाकर जनता की राय लेकर सर्वे करता रहा है। और हमारे सर्वे की सबसे खास बात यही रही है कि टोटल न्यूज के सर्वे हकीकत के और नतीजों के बेहद करीब रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आम लोगों का टोटल न्यूज में भरोसा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो जनता का भरोसा है टोटल टीवी के सर्वे में, क्योंकि जनता ने अपनी राय टोटल टीवी के सर्वे में दी है। काउंटिंग सेंटर भी तैयार हो चुका है। साकिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साकिर, काउंटिंग सेंटर से बड़ा फैसला। काउंटिंग सेंटर तैयार है। समालखा विधानसभा सीट को लेकर काउंटिंग सेंटर में आज जो लोगों का मत है इन बॉक्सेस में आ चुका है। इसकी हम मतगणना की यहां से आज शुरुआत करेंगे। खासी अहम सीट है ये समालखा, और खासा दिलचस्प तब हो जाता है जब आपके पास चार जो राजनीतिक पार्टियां हैं
कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा दो नाम हमें इस सीट पर निर्दलीय भी मिले हैं जो लोगों में खासी पहचान भी रखते हैं और इस विधानसभा सीट में टिकट अगर उनको मिलता है तो शायद जनता की पसंद भी बन सकते हैं। लिहाजा इस सीट को लेकर काउंटिंग सेंटर में अब हम मतगणना की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मतगणना शुरू हो रही है। अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें, मतगणना शुरू हो रही है। जनता ने अपनी पसंद के संभावित उम्मीदवार को वोट दे दिया है और इनमें से कौन सा संभावित उम्मीदवार उम्मीदवार बनकर चुनावी रण में उतरे ये जनता बता रही है। काउंटिंग जारी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। साकेत, काउंटिंग को जारी रखिएगा, दोबारा आपके पास आएंगे। बताइएगा हमारे दर्शकों को कि बड़ा फैसला प्रदेश की जनता ने क्या दिया है समालखा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर। जनता की राय क्या है कि किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार को चुनावी रण में अपनी दावेदारी ठोकनी चाहिए। तो हमारे खास कार्यक्रम रेस 2019 में समालखा विधानसभा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां चारों ही पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी, साथ ही साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार के नाम को लेकर टोटल टीवी की टीम जनता के बीच पहुंची। यहां हम आपको यह भी बता दें कि ये नाम हमने राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय माननीयों से जाने हैं और फिर इन नामों को लेकर गए हम जनता के बीच, सर्वे आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं इन संभावित उम्मीदवारों से और रूबरू करवाते हैं इनकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत से। उम्मीदवारों के बारे में जनता की राय जानने के लिए टोटल टीवी एक सर्वे करा रहा है। टिकट की रेस 2019 में आज बारी है समालखा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मौजूदा विधायक है रविंदर मछरौली जो एक निर्दलीय विधायक हैं। वहीं बीजेपी में टिकट की रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो यहां हमें बीजेपी के चार मजबूत दावेदार मिले। इनमें पहला नाम है शशिकांत कौशिक का। 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शशिकांत कौशिक को हार का सामना करना पड़ा। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जाने जाते हैं शशिकांत। शशिकांत कौशिक और उनकी पत्नी दोनों प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी में ही दूसरे संभावित उम्मीदवार की बात करें तो कृष्ण छोकर काफी चर्चित हैं। इनका सकारात्मक पक्ष ये है कि युवा इनका समर्थन करते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं कृष्ण छोकर, इसलिए काफी मजबूत पकड़ है। पत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। कृष्ण छोकर युवा हैं, इसलिए युवा वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी में तीसरी संभावित उम्मीदवार हैं राम भतेरी रावल, जो इलाके में अच्छी पकड़ रखती हैं। राम भतेरी रावल 2014 में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ी और हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और टिकट की रेस में शामिल हैं। बीजेपी में इन तीन नामों के अलावा एक और उम्मीदवार है जो टिकट की रेस में है। इनका नाम है राजेंद्र शर्मा हल्दाना। हमारे सर्वे के दौरान भी कई लोगों ने उनका नाम लिखकर टिकट देने की मांग की। साफ छवि और सच्ची राजनीति करना चाहते हैं राजेंद्र शर्मा। गरीब और निचले तबके में मददगार के तौर पर जाने जाते हैं। वही अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में तीन नाम हमें मिले जो टिकट की रेस में है। इनमें पहला नाम है धर्म सिंह छोकर का। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल हुई। पार्टी में हो रही गुटबाजी का शिकार हो सकते हैं धर्म सिंह छोकर। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं संजय छोकर, जिनकी किस्मत अक्सर साथ नहीं दे पाती, लेकिन एक बार फिर चुनावी मैदान में टिकट की रेस में शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर काबिज हैं संजय छोकर। राजनीतिक हालात अक्सर संजय छोकर के प्रतिकूल ही रहे। कांग्रेस में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं भूकंप छोकर, जो गुर्जर नेता हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं। इलाके में साफ और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं भूकंप। गुर्जर नेता हैं, इसलिए गुर्जर समाज में अच्छा प्रभाव रखते हैं। और अब बात जेजेपी की करते हैं। जेजेपी में दो संभावित उम्मीदवार हमें मिले। इनमें एक नाम धर्मपाल रावल का, जो इनेलो में टूट के बाद जेजेपी में शामिल हुए। पार्टी में टिकट के कम दावेदार होने के चलते टिकट की उम्मीद में धर्मपाल रावल ने इनेलो में टूट के बाद जेजेपी को प्राथमिकता दी। जेजेपी के दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं मनोज जौरासी, जिनके इलाके में अच्छी पकड़ है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं मनोज जौरासी। युवा हैं, लोगों में अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं। और अब बात इंडियन नेशनल लोकदल में टिकट की रेस में शामिल संभावित उम्मीदवारों की। इनमें पहला नाम है देवेंद्र सहरावत का और दूसरा लेखराज खट्टर का।
देवेंद्र सहरावत ग्रामीण इलाके से आते हैं, इसलिए काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। देवेंद्र सहरावत के पास लोकप्रियता साबित करने का अच्छा मौका है। इनेलो में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं लेखराज खट्टर, जिनकी इलाके में अच्छी पकड़ है। पंजाबी समाज से होने के नाते अपने समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। चौधरी देवीलाल के समय से इनेलो से जुड़े हुए हैं। इन चारों पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के अलावा एक और संभावित उम्मीदवार है जो इस सीट पर मजबूत दावा ठोक रहे हैं, और वो है यहाँ से मौजूदा विधायक रविंद्र मछरौली। रविंद्र मछरौली को लेकर इस बार लोगों में कुछ नाराजगी भी है। इस बार बीजेपी से टिकट पाने की जुगत में भी है रविंद्र मछरौली। आपको बता दें, इन चारों पार्टियों और एक निर्दलीय नाम को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया और इन्हीं नामों पर जनता की राय जानी। जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा दिखाया है, ये आपको देखने को मिलेगा टोटल न्यूज के सर्वे में। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो अपने खास मेहमानों से परिचय आपका पहले ही करवा चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र कथूरिया के पास जाऊंगी, हमारे ब्यूरो चीफ पानीपत से हैं। देवेंद्र, समालखा विधानसभा को अगर हम देखें और समालखा विधानसभा के मुद्दों को हम देखें, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट देगी और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी? देखिए रंजना, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। पंजाब से अलग जो स्टेट बनी थी, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, संयुक्त पंजाब था पहले। 1966 में जब गठन हुआ हरियाणा का, 1967 में पहले चुनाव हुए थे, और पहले चुनाव में जो पंडित भगवतदयाल शर्मा की सरकार थी वो गिर गई थी जल्दी, और उसमें समालखा के साथ एक थोड़ा नकारात्मक टिप्पणी ये भी है कि समालखा को आया राम गया राम की राजनीति के लिए जाना जाता है। यहां से 1967 में रणधीर सिंह आटा थे, विधायक थे ये, और एक हसनगढ़ जो पहले गुड़गांव में था अब नूह में है, हसनगढ़ और रणधीर सिंह आटा समालखा से जो विधायक थे, इन्होंने दल बदल किया था, और रणधीर सिंह आटा जो समालखा से विधायक बने थे 1967 में, उनके बारे में कहा जाता है, और बकायदा राजनीतिक इतिहास में हरियाणा के ये दर्ज है कि उन्होंने 24 घंटे में 10 बार पार्टी बदली थी, 10 बार दल बदल किया था, ये राजनीतिक इतिहास बताता है। ये तो रही बात राजनीतिक इतिहास की। समालखा की मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ के, हालांकि 40 से 50 हजार के बीच आबादी है, दिल्ली बिल्कुल नेशनल हाईवे पर बसा हुआ कस्बा नुमा शहर है, पानीपत और दिल्ली के बीच में पड़ता है, पानीपत का हिस्सा है समालखा विधानसभा। यहाँ शिक्षा की बड़ी दिक्कत है, बच्चों को जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, या फिर जो औसत बच्चे हैं वो सोनीपत पानीपत इन जगह पे, मतलब शिक्षा बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफी है, 84 गांव समालखा विधानसभा में आते हैं। समालखा कस्बा नुमा शहर है, समालखा में तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन गांव में जैसे पानी निकासी की समस्या होती है, सड़कें पक्की होती है, हालांकि काम बहुत हुआ है लेकिन उसके बावजूद अभी भी समस्याएं बनी हुई है। बिजली की समस्या है, बिजली लगातार नहीं मिलती जितना बिजली निगम या सरकार प्रशासन दावे करता है। उसके बाद एक चीज अच्छी ये हुई है समालखा के बारे में, जो हमने लोगों से जाना, उनका ये कहना है कि जो नौकरियां मेरिट पर दी जा रही है, जिसका मनोहर सरकार दावा करती है, नौकरियों के मामले में समालखा विधानसभा में काफी लोग संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से और दावों से। अकेले चुलकाना गांव में 125 से लेकर 150 बच्चों की नौकरियां लगी है मेरिट के आधार पर, तो गांव में एक अच्छा मैसेज गया। दूसरा, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लोग पसंद करें कि शरीफ मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। और तीसरा, जो विकास है, समान विकास का जो दावा करी है सरकार, समान विकास पर भी सरकार के दावों को लोग मान रहे हैं कि सरकार अच्छा काम करे। ये कुछ मुद्दे हैं, लेकिन सरकार के को लेकर लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर में देख रहा हूं। जी केवी पंडित साहब, समालखा की ये तो हो गई समस्याएं, लेकिन समालखा के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप क्या मानते हैं? समालखा एक ऐसा क्षेत्र है, जो कथूरिया साहब ने भी कहा, अब यहाँ बाहर के लोग भी एमएलए बनते रहे, जैसे करतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से आए, यहाँ आकर एमएलए बन गए, विधायक बने, फिर मिनिस्टर बन गए। और दूसरी ये है, दल बदल की जो यहाँ की परंपरा है वो आज भी कायम है, बाहर के लोग हैं, पार्टी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा। यहाँ इंडिपेंडेंट पिछली बार जीता था मछरौली साहब, और इस बार भी पार्टी की स्थिति बीजेपी की तो मजबूत है, अन्य पार्टियों में जो द्वंद है, आपस में जो टकराव है, आपस में जो बिखराव है, उसकी वजह से कोई पॉलिटिकल स्थिति दूसरे दलों की कोई मजबूत नज़र नहीं आ रही।
और तीसरे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोगों में बेरोजगारी की जो समस्या है, ये तो ठीक है कि मुख्यमंत्री ने नौकरियों में पारदर्शिता लाकर लोगों में विश्वास पैदा किया कि नौकरी मेरिट पे मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं हुए, बड़े कारखाने नहीं। यहाँ फाउंड्री का कारखाना है, लेकिन अब वो फाउंड्री के कारखाना भी लगभग सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार। अगर इन सबको नहीं सुधारा गया तो इलाके की तरक्की नहीं होगी। इलाके का मूल करैक्टर जो है ग्रामीण परिवेश है, और गाँव में जो काम होने चाहिए, किसके खेती किसानी के जो काम होने चाहिए वो उतने नहीं हुए हैं, और उसकी वजह से भी लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सड़कों की भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, बिजली की समस्या भी लगातार बनी हुई जी। तो पॉलिटिकल लेवल पर यहाँ वस्तु स्थिति ये है, केवल शासक दल को छोड़ के सभी दलों की स्थिति कमजोर है जी। और बिखराव की है जी। वीरेंद्र सोनी साहब, पॉलिटिकल वेव क्या देखते हैं आप समालखा में? देखिए, समालखा एक राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, और 1967 में जैसे कथूरिया जिक्र कर रहे थे, उस समय जनसंघ से रणधीर सिंह गट्टा बने थे, जनसंघ से 115 वोट से बने थे। मतलब जनसंघ का उस समय जब अस्तित्व भी आया ही था तो उस समय जनसंघ को ये सीट मिली थी। तो उसके बाद यहाँ एक बार जो है ब्राह्मण से सचदेव त्यागी रहे, अग्रवाल समुदाय बाबू मूलचंद जैन रहे जिन्हें हरियाणा का गांधी जी का कहते हैं, और इस तरह अब इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जाट प्रत्याशी के रूप में रविंद्र मछरोली जीते। ये तो हर बार यहाँ से गुजर समुदाय का ही विधायक निर्वाचित हुआ है। तो समालखा के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने, निर्दलीय विधायक ने जब समर्थन दिया तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने समर्पण कर दिया, क्योंकि सरकार चलाना मजबूरी थी, तो इसलिए निर्दलीय विधायक के समर्थन पाने के लिए जो संगठन था उसको बिल्कुल समर्पण हो गया। जो +43 का फार्मूला था वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम नहीं हुए। जहां तक समालखा के विकास की बात है, मुद्दों की बात है, समालखा सबसे बड़ा यहाँ फाउंड्री का उद्योग रहा है वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। यहाँ बड़ी गुड़ की मंडी होती थी वो भी समाप्त हो गई है। जो आड़त की दुकानें होती थी अब उन आड़त की दुकानों पर जो कमर्शलाइजेशन है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। जब ऑनलाइन सब व्यवसाय होने लग गया, अब आड़त भी ऑनलाइन होने लगी है, तो इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो वहां के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। तो समालखा का जो विकास होना चाहिए वो उतना विकास नहीं हो पाया। हालांकि राजनीतिक प्रयोगशाला में यहाँ सबसे ज्यादा प्रयोग हुए हैं और बाहर से आकर लोग जीतते रहे हैं, और गुजर की राजनीति का सबसे बड़ा ये गढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये जातीय समीकरण काफी हद तक प्रभावित करेंगे जी। सुजीत जी, समालखा में इस बार आप क्या नया देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जैसे कि बताया गया कि आयाराम गयाराम की राजनीति का केंद्र रहा है। इसके अलावा बाहर से भी लोग आते हैं, फरीदाबाद से चलकर समालखा पहुंचते हैं और वहां से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। पिछली बार वहां से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मछरौली पर लोगों ने भरोसा जताया, बीजेपी कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवार को उन्होंने खारिज कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि वहां जो है व्यक्तिगत छवि जो है वो ज़्यादा मायने रख रही, जिस तरीके से गुर्जर समुदाय के वहाँ ज़्यादातर विधायक होते रहे हैं, तो उसके साथ साथ व्यक्तिगत छवि भी बहुत मायने रखती है। रविंद्र मछरौली जो वहाँ निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने पिछली बार जब 2014 में चुनाव होना था उसके 2-3 साल पहले से ही वहाँ लगातार वो काम कर रहे थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, रविंद्र मछरौली सेवा ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के जरिए वो लोगों को वहाँ किसी को उपचार की ज़रूरत है तो PGI भेजना, उन्होंने बस चलवा दी कि अगर अस्पताल जाना है तो उस इलाके के लोग उस बस में होकर जाएंगे। इसी तरीके से और भी तमाम सुविधाएं वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने विधायक बनने से पहले ही शुरू कर दी थी, और काफ़ी जो है लोगों में वहाँ पर उन्होंने इस तरह के काम, सामाजिक काम किए, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी हैं और समाज सेवा में भी वो रुचि रखते हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल में ये विधानसभा में दिया हुआ है, और उसके तहत ही वो 2014 से पहले जो है जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। उनका मकसद विधायक बनना, निर्दलीय विधायक बनना था, शायद इसीलिए वो पहले से ही लोगों की सेवा करने लगे थे ताकि राजनीतिक लाभ उसका मिल सके। और आप जब चुनाव हुए तो उसका असर भी देखने को मिला कि रविंद्र मछरौली वहां से निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस और बीजेपी और
इनेलो के उम्मीदवार जो है उनसे काफी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, देखिए यही है समालखा का ट्रेंड कि निर्दलीय विधायक जीत गए थे। मोदी वेव जब चल रही थी 2014 में तब भी रविंद्र मिश्रौली ने जीत दर्ज की और यही समालखा की जनता की राय होती है। इस बार समालखा की जनता की राय क्या है ये हम जानेंगे काउंटिंग सेंटर से। साकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकिर, बड़ा फैसला क्या निकल के आया, पहला आगाज क्या? बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर नतीजे हमारे सामने हैं और कांग्रेस से तीन नाम हमारे पास थे, धर्म सिंह छोकर, संजय छोकर और मोहकम छोकर। इसमें मोहकम छोकर के को 4.17% लोगों का समर्थन मिला है तो वहीं संजय छोकर को 8.33% लोगों का समर्थन मिला है और ये रेस सीधे तौर पर कांग्रेस के लिहाज से धर्म सिंह छोकर 87.50% लोगों के समर्थन के साथ जीतते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, समालखा के अंदर जनता की क्या राय है, कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, धर्म सिंह छोकर 87.50% वोट्स के साथ सबसे आगे, संजय छोकर हालांकि पार्टी में अच्छी छवि रखते हैं लेकिन चुनावों के नाम पर किस्मत उनका साथ नहीं देती है, चुनाव हार जाते हैं और चुनावी मैदान में उतर ही नहीं पाते, ये आप कह लीजिए कि टिकट की रेस में हार जाते हैं 0.833% वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर और मोहकम छोकर 0.417% वोट्स के साथ। सबसे पहले वीरेंद्र सोनी साहब आपके पास आऊंगी, जब से हमने रेस 2019 का कार्यक्रम शुरू किया है कांग्रेस के अंदर स्थिति जो होती है वो सिर्फ टब्बल वाली होती है लेकिन समालखा की जनता एक छत्र बोल रही है कि प्रत्याशी को अगर उतारना ही है तो धर्म सिंह छोकर को उतारा जाए, क्या ये माने कि 2009 में जीत के बाद जो जनता के मन पर छाप छोड़ी थी उसी का असर है कि चाहती है जनता के 2019 में भी धर्म सिंह छोकर ही चुनावी मैदान में उतरे? निसंदेह धर्म सिंह छोकर मजबूत चेहरा है और भूपिंदर सिंह हुड्डा के काफी विश्वसनीय माने जाते हैं, हालांकि इनके मुकाबले में संजय छोकर हैं, वो AICC के मेंबर भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और रणदीप सुरजेवाला के दाहिने हाथ हैं, हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने जब यहाँ रैली की थी तो उन्होंने उनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था, पढ़े लिखे भी हैं वो, अपना एक अच्छी छाप रखते हैं। इसके बावजूद धर्म सिंह छोकर का व्यापक प्रभाव है, वो पहले विधायक भी रहे हैं, उन्होंने अपनी जो अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था हरियाणा जनहित कांग्रेस से शुरू किया था, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इस बार हालांकि 2014 में वो हार गए, 20,000 वोटों से हार गए थे रविंद्र मिश्रौली से, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपना सफर जो है राजनीतिक सफर के लिए उन्होंने अपना सेवा प्रकल्प पहले ही शुरू कर रखे हैं और मजबूत चेहरे हैं, गुजर नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित करने के लिए उन्होंने सहारनपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन भी किया था और उनके जो सारी टिकट का जो दारोमदार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर है और जनता में उन्होंने अपनी छवि बनाई हुई है और उसका उनको लाभ भी मिल रहा है। हालांकि जो संजय जो छोकर हैं उनका अपने स्तर पर युवाओं में एक अलग प्रभाव होना चाहिए था लेकिन समालखा की जनता अभी भी जो धर्म सिंह छोकर ने पहले विकास कार्य करा रखे थे उन पे जनता आस्था रखती है और निश्चित रूप से लोगों ने जो कहा है कि धर्म सिंह छोकर मजबूत चेहरा है और उन पर लोग विश्वास करते हैं और उनका इनको लाभ भी मिल रहा है और कांग्रेस के लिए मतलब समालखा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस चुनौती देने में सक्षम है, जहां कांग्रेस कुछ अपेक्षाएं कर सकती है। पानीपत जिले की चारों सीटों में सिर्फ समालखा ही है जहां कांग्रेस का हालांकि बिखराव है लेकिन बिखराव होने के बावजूद यह धर्म सिंह छोकर की छवि है जिसका लाभ मिल रहा है। हालांकि वो अपने भाई के स्थान पर इंद्र सिंह टिटाना थे, इनेलो के नेता थे, उनके ध्यान के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे, उस तरह से उन्होंने अपना व्यापक आधार बनाया हुआ है। जी देवेंद्र, हम अगर देखें तीनों ही संभावित उम्मीदवारों को तो तीनों ही गुर्जर समुदाय से आते हैं, ये मानकर चला जाए कि पार्टी की समालखा इकाई में जातिगत समीकरण को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल रंजना, देखिए समालखा विधानसभा सीट जो है ज्यादातर पार्टियां हमेशा गुर्जर समुदाय के दावेदार को अपना उम्मीदवार बनाती हैं और जितने एमएलए बने हमने देखा कि गुर्जरों का, हालांकि जाटों का भी उतना ही प्रभाव है, जाट और गुर्जर वोटों में ज्यादा फर्क नहीं है, जाट लोग दावा करते हैं कि हमारे 24,000 वोट है और गुर्जर कहते हैं हमारे 25 है, तो ये एक राजनीतिक टसल जो होती है गुर्जरों में जाटों में इस सीट पर दिखाई देती है। रविंद्र मिश्रौली चूंकि जाट समाज से थे उन्होंने पिछली बार देखा कि ज्यादातर पार्टियां गुर्जर को वोट देती है तो वो चूंकि जाट थे उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, 2 महीने पहले सक्रिय हो गए थे, लोगों के घर तक पहुंचना, गरीबों की मदद करना, तो वो उनका प्रयोग जो है सफल रहा। धर्म सिंह छोकर की जहां तक बात है वो विधायक बने 2009 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में, भले ही वो विधायक थे लेकिन बहुत प्रभावशाली विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी काफी नजदीकियां थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मंत्री बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं पाए, मजबूरियां थी राजनीतिक, फिर CPS का पद था,
पूरे मतलब उनका पूरी उम्मीद थी बनाया जाएगा लेकिन नहीं बनाया पाया, लेकिन उनको दूसरी तरह से उपकृत किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। हुड्डा के एक तरह से बहुत करीबी लोगों में शामिल हैं। संजय छोकर की जहां तक बात है वो चुनावी राजनीति में सफल रहे हैं, जैसा आपने दर्शकों को भी बताया, अच्छे इंसान है, शरीफ आदमी है, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन चुनावी प्रपंच और चुनावी जो रणनीति होती है, चुनावी खेल जो होते हैं उसमें वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। हर बार उनको मतलब एक ट्रेजडी उनके साथ होती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 8% वोट, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरजेवाला के चहेते हैं, काफी समय से राजनीति में, उनकी पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, दिल्ली में रहते हैं, अच्छी छवि होने के बावजूद चुनावी राजनीति में वो सफल होते दिखाई नहीं दे रहे। मोहकम छोकर जो है 4% कुछ है, लेकिन वो एक औसत है, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, वो एक औसत नेता के रूप में सामने आए। जी केवी पंडित साहब, धर्म सिंह छोकर के समर्थन में जो वोट आया है 87.50%, क्या बड़ी वजह आप मानते हैं जो एक छत्र जीत संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में एक छत्र जीत धर्म सिंह छोकर को मिली है? आज की राजनीति में तीन बात चाहिए, नेता के पास पैसा हो, मसल पावर और संगठन शक्ति हो, तीनों चीजों में छोकर साहब माहिर हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, धन है तो मसल पावर भी है, और चूंकि साधन संपन्न है, जगह जगह सेवा कार्य में लगे हैं तो संगठन शक्ति भी है, इसलिए उनका नाम पार्टी में और कार्यकर्ताओं में ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरे ये भूपेंद्र हुड्डा के खास रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहे हैं, इस समय जो राजनीतिक समीकरण हरियाणा में बदले, गुटबाजी हुई, उन्होंने एक ही गुट में रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में रहे, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, अब उन्होंने संगठन शक्ति है उनमें, उन्होंने अपने मित्र मंडल को जोड़ कर रखा है, गांव-गांव में उनका कार्यकर्ता अपना कार्यकर्ता, लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये है, पार्टी कमजोर है, पार्टी का नेतृत्व कमजोर है, पार्टी में कोई दिशा नहीं है इस समय, ये छोकर के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। संजय छोकर जो है नौजवान है, एनर्जिक है, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने संगठन में जनता में वो संपर्क नहीं रखा जो छोकर साहब का है, इस वजह से वो कमजोर पड़ते हैं। जी सुजीत जी, हमारे जो तीनों ही पैनलिस्ट हैं वो फोकस कर रहे हैं धर्म सिंह छोकर की जो मित्रता है, जो धर्म सिंह छोकर है वो बेहद करीबी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, इसका आप सकारात्मक प्रभाव देखते हैं या नकारात्मक प्रभाव देखते हैं? देखिए, धर्म सिंह छोकर जब हरियाणा जनहित कांग्रेस से जीते थे और उसके बाद जब 2009 में हुड्डा को अपनी सरकार चलाने के लिए जो विधायकों की संख्या कम पड़ी थी तो उस समय उन्होंने साथ दिया था और काफ़ी करीब रहे, और जिस तरीके से कथोरिया जी ने कहा कि वो मजबूत MLA थे जो है, तो काफ़ी जो है जो भी विवाद हुआ उसको लेकर भी रहे और उसके अलावा हुड्डा के साथ रहे, तो काफ़ी प्रभावी रहे, और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी भी जो है कांग्रेस को जो वोट देने वाले लोग हैं या जो कांग्रेस के समर्थन करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि वहाँ पर धर्म सिंह छोकर सबसे पहली पसंद हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सक्रियता विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा है, यही वजह है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू करना होता है तो वो आपने देखा होगा समालखा का रुख करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको छोकर पर भरोसा है, छोकर को हुड्डा पर भरोसा है, तो यही वजह है कि कोई बड़ा कार्यक्रम भी उनको शुरू करना होता है तो वो समालखा से शुरू करते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है, और कांग्रेस के लोगों के बीच में अभी भी धर्म सिंह छोकर पहली पसंद है, और भले ही लीडरशिप में चाहे जो स्थिति हो लेकिन अगर धर्म सिंह छोकर जमीन पर मजबूत हैं तो हाई कमान को भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, नेतृत्व भले ही कमजोर हो लेकिन धर्म सिंह छोकर मजबूत दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी की भी बात करेंगे, JJP की भी बात करेंगे, NLO की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ टक्कर दे रहे हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी भी, वो भी आपको बताएंगे। हर संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी को ठोक रहा है लेकिन जनता ने किसकी दावेदारी पर भरोसा जताया ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमने आपको बताया तीन संभावित उम्मीदवार हमें मिले जिनमें धर्म सिंह छोकर सबसे आगे, और एक और बड़ा फैसला काउंटिंग सेंटर एक बार फिर से एक और बड़ा फैसला बताने के लिए तैयार है। साकिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और अब जो नतीजा हमारे सामने है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। चार नाम सामने थे, शशिकांत कौशिक, राजेंद्र शर्मा हल्दाना, कृष्ण छोका और राम
भतेरी रावल। इन चार नामों के बीच में लोगों की पसंद जानने की कोशिश की गई तो राम भतेरी रावल को 2.77% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं कृष्ण छोकर को 11.62% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं राजेंद्र शर्मा हल्दाना के पक्ष में 13.97% लोगों का समर्थन है। तो ये रेस जीत रहे हैं शशिकांत कौशिक 71.64% लोगों के समर्थन के साथ। बिल्कुल बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, शशिकांत कौशिक 71.64% वोट के साथ सबसे आगे हैं। 2014 में चुनाव हार गए थे और एक बार फिर से मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरे नंबर पर राजेंद्र शर्मा है 13.97% वोट्स के साथ। जनता ने खुद इनके नाम को प्रपोज किया था जब टोटल न्यूज की टीम गई थी कि राजेंद्र शर्मा भी हैं संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में। वहीं कृष्ण छोकर 11.62% वोट्स के साथ, इनकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य रही है तो समझ सकते हैं आप जमीन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं राम भतेरी रावल 2.77% वोट्स के साथ, हालांकि पिछड़ गई है लेकिन इनेलो छोड़कर बीजेपी में आई थी और टिकट की चाह रखती है। बिना देर किए सबसे पहले देवेंद्र कथूरिया के पास जाऊंगी। देवेंद्र, शशिकांत कौशिक की बात करें 2014 में हार गए थे चुनाव और अब अगर जनता चाहती है कि 2019 में फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसका ये मतलब है कि 5 साल में होमवर्क पूरा किया उन्होंने। देखिए रंजना, 2014 में जब शशिकांत कौशिक को टिकट मिली थी बहुत देरी से मिली थी क्योंकि बाकी उम्मीदवार थे जो उन्होंने अपनी अपनी रणनीति बना ली थी, जनसंपर्क को बढ़ा दिया था, काफी काम कर चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ दिन पहले ही शशिकांत कौशिक को टिकट मिली थी और वो चुनाव हार गए थे, 3rd नंबर पर रहे थे। अब उसके बाद उस हार से उन्होंने सबक सीखा है। चुलकाना 84 गांव में, जो 84 गांव समालखा विधानसभा में सबसे बड़ा गांव चुलकाना है जहां सबसे ज्यादा वोट है और शशिकांत कोशी का पैतृक गांव है। मुझे याद है कि 10 दिन पहले इन्होंने एक प्रचार अभियान की जो शुरुआत की, वहां चुलकाना गांव बहुत मशहूर गांव है, खाटू श्याम का मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर एक राजस्थान में, दूसरा समालखा में है। बबरीक का जो महाभारत में बबरीक का जो शहादत हुई थी उनके याद में भगवान कृष्ण के आदेश पर यह कहा गया था कि बबरीक को, कि जब महाभारत की या जब कृष्ण को लोग याद करेंगे तो बबरीक के बलिदान को भी याद रखेंगे। तो यहाँ खाटू श्याम का मंदिर है, बहुत लोग दिल्ली से दूर दूर से आते हैं, सिद्ध मंदिर है। यहाँ से मंदिर में माथा टेक के शशिकांत कौशिक ने 10 दिन पहले अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की और बहुत सारे गांव के लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने अपनी गलती मानी थी कि मेरा जन्म स्थान है चुलकाना गांव, लेकिन मेरे में कोई कसर रह गई थी कि मैं यहाँ पूरी तरह से मतलब लोगों के मिल नहीं सका या कोई भी मतलब उन्होंने गलती मानी वहीं उसी मौके पर। और अब चुलकाना गांव चूंकि काफी बड़ा गांव है, ज्यादा वोट वाला गांव है और इनका अपना है और वहीं से शुरुआत की है खाटू श्याम के मंदिर से, तो लगता है कि शायद भगवान उन पर राजी होते लग रहे हैं, लेकिन मेहनत भी वो बहुत कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे थे कहीं ना कहीं उस कसर को इस बार पूरी कर लेंगे वीरेंद्र सोनी साहब। वहीं राजेंद्र शर्मा हल्दाना, जो जनता खुद इनका नाम प्रपोज कर रही है। देखिए शशिकांत कौशिक पर लोग 71% लोग अगर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो उनकी ये संघर्षशील जबी ईमानदार चेहरे होने के नाते लोगों में एक आस्था बनी है, विश्वास बना है कि शशिकांत कौशिक उनके सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं। जैसे कथूरिया जी कह रहे थे वो चुलकाना गांव से आते हैं, तो चुलकाना कभी जो पहले गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था आजकल समालखा में है, तो चुलकाना के गांव का होने का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि देखिए शशिकांत कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी को वहां जीवित रखने के लिए, जब निर्दलीय वहां से विधायक हैं तो पार्टी संगठन को जिंदा रखने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी। जब वो असहाय और निसहाय हो गए तो तब वो पार्टी से खिन्न होकर वो अपना इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए, लेकिन जब ये लगा संगठन के लोगों को लगा कि इस तरह का एक अच्छा व्यक्ति अगर हमारे यहां से चला जाता है तो उसको वापस लाने की कोशिश हुई, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो संगठन को गति प्रदान कर रहे हैं और निस्संकेत वो इस समय बहुत बड़ा चेहरा है, पार्टी के मजबूती के लिए लड़ रहे हैं और उनको अच्छी अपेक्षा है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी अपेक्षा है। राजेंद्र शर्मा जो है आप 13% लोगों में है तो लोगों ने उनका नाम प्रपोज किया है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जो अगर लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो शशिकांत कौशिक पे कर रहे हैं और वो अपने ब्राह्मण समुदाय के अलावा अन्य जातियों में भी लोकप्रिय है, इस तरह कृष्ण किवाना है और या दूसरे अब राम भतेरी रावल तो इनेलो में थी, इनेलो में जब चुनाव लड़ा तो 4th स्थान पर रही थी, तो हालांकि टिकट के दावेदार तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट का दावेदार तो कोई भी हो सकता है और सभी की अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिले, लेकिन होमवर्क जिसका अच्छा होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके नाम पर मोहर लगाएगी
और शशिकांत कोशिक की भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी उनकी अच्छे संबंध है और जनता के अंदर भी लोकप्रियता है, ये आपके सर्वे से साबित हो रहा है। बिल्कुल, केवी पंडित साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, ऐसे भी चेहरे हैं जो अपनी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुआ है सिर्फ और सिर्फ टिकट की चाह में, क्या लगता है आपको ये मजबूती देंगे अगर शशिकांत कौशिक को चुनावी मैदान में उतारा जाता है या फिर वोट कटवा साबित होंगे? इसमें खास बात यह है, अब मुख्यमंत्री के चहेते हैं निर्दलीय विधायक रविंदर मछरोली और पार्टी में उम्मीदवार हैं शशिकांत कौशिक, तो पार्टी ने यदि शशिकांत कौशिक को मैदान में उतारना है तो अभी विश्वास में लेना पड़ेगा अगर आपको टिकट पक्की है, क्योंकि मछरोली साहब ये दावा करते हैं मुख्यमंत्री का उन्हें आशीर्वाद है और वो बीजेपी की टिकट ले लेंगे, तो पार्टी के लेवल पर ये फैसला हो जाना चाहिए या सरकार में बैठे लोगों को ये बता देना चाहिए असली उम्मीदवार कौन होगा, काम कौन कर सकेगा, किसकी इमेज बढ़िया है, कौन जीत सकता है, और वो फैसला अगर पार्टी नहीं लेती है तो शशिकांत कौशिक की स्थिति कमजोर बनी रहेगी, मछरोली का प्रभाव दिखाई देगा, मछरोली को फैसला पार्टी ने फैसला करना मछरोली को टिकट देना कि नहीं देना, क्योंकि वो मछरोली का यह दावा है कि मैंने संकट में पार्टी का साथ दिया, मैं हमेशा वफादार रहा, मैं मुख्यमंत्री का वफादार रहा जी। अब वो सारी बातें हैं जो राजनीतिक रूप से क्लियर नहीं है, इसलिए अभी शशिकांत कौशिक की स्थिति कितनी मजबूत बन पाएगी, जनता में वो अभियान कैसे लेंगे, पार्टी और संघ के लोग उनका कितना समर्थन करेंगे जी। और उनका कितना वजन बनेगा, ये समय पर निर्भर करता है पार्टी क्या फैसला लेती बिल्कुल, है बिल्कुल पार्टी क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी सुजीत जी। लेकिन अगर शशिकांत कौशिक को साइड भी रख दिया जाए तो भी राजेंद्र शर्मा हल्दाना, कृष्ण छोकर और राम भतेरी रावल ये कहीं से कहीं तक भी टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहे, आप इग्नोर नहीं कर सकते शशिकांत कौशिक को। देखिए, शशिकांत कौशिक अभी सबसे मजबूत दावेदार हैं वहाँ और पार्टी के बीच भी उनकी पकड़ है, क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है रविंदर मछरौली को सीएम की पसंद है वो, लेकिन सवाल ये है रविंदर मछरौली अभी तक पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, पार्टी में अधिकृत तौर पर शामिल नहीं, वो निर्दलीय एमएलए हैं वहाँ से, तो ऐसे में शशिकांत कौशिक जो है वहाँ सबसे मजबूत हैं। अब पार्टी के जितने भी समर्थक हैं या जो भी मतदाता हैं, जो भी लोग चाहते हैं बीजेपी को वहाँ पर, वो सब जो है शशिकांत कौशिक पर भरोसा जता रहे हैं। शशिकांत कौशिक पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर आए थे धर्म सिंह छोकर, धर्म सिंह छोकर से बहुत कम, मतलब हजार से भी कम मत से वो तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार था, दूसरे नंबर पर जो जीतकर दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आया उसके कहीं ना कहीं वो बराबर खड़े रहे, तो इसलिए उनकी दावेदारी और भी मजबूत बन रही है। लेकिन जैसे कि मछरौली के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या कर पाएंगे, उनको शामिल होंगे नहीं होंगे, अभी सिर्फ मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, लेकिन पार्टी के चेहरे के तौर पर शशिकांत सबसे आगे हैं और अब तय करना होगा पार्टी आलाकमान को कि वो किस पर भरोसा जताएं। ये वाला कैलकुलेशन पार्टी आलाकमान कर रहा होगा, हालांकि संभावना ऐसी भी है कि रविंद्र मछरौली हो सकता है, लेकिन जो चार नाम निकल के सामने आया है शशिकांत कौशिक उसमें सबसे आगे और एक बार फिर से काउंटिंग सेंटर तैयार है। एक बार फिर से एक और बड़ा फैसला, जनता की राय क्या निकलकर सामने आई है साकिब? बिल्कुल, समालखा विधानसभा सीट पर निर्दलीय के तौर पर जो इस वक्त मौजूदा विधायक है रविंद्र मछरौली, उनको लेकर भी हम जनता के बीच पहुंचे और ये जानने की कोशिश की क्या एक बार फिर रविंद्र मछरौली को एक निर्दलीय विधायक के तौर पर समालखा की जनता पसंद कर रही है, क्या वो चाहती है कि एक बार फिर वो निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े, और साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की क्या रविंद्र मछरौली के अलावा कोई अन्य भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अगर समालखा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है तो क्या जनता उसको समर्थन करेगी। तो नतीजे हमारे सामने हैं, रविंद्र मछरौली अभी भी लोगों की पसंद बने हुए हैं, 70.18% लोगों का उन्हें सीधे तौर पर समर्थन मिलता दिख रहा है और अन्य अगर कोई आता है तो उसको 29.82% लोग उसका भी समर्थन करने को तैयार है। बिल्कुल, तो प्रदेश की जनता की राय सुन लीजिए आप क्या है, रविंद्र मछरौली जो कि निर्दलीय विधायक रहे हैं बावजूद इसके होमवर्क उनका इतना अच्छा है, काम उनका अच्छा है कि जनता चाहती है एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे
70.18% वोट के साथ सिटिंग एमएलए रविंद्र मछौली के ऊपर जनता एक बार फिर से भरोसा जताते हुए, इसके अलावा जनता ने यह भी कहा कि अगर कोई और आता है चुनावी मैदान में तो भी उसका स्वागत किया जाएगा। एक बार फिर से काउंटिंग सेंटर से एक और बड़ा फैसला आने को है, एक और बड़ा फैसला। पाटिल क्या निकल कर आया है, जनता ने जो विश्वास जताया पिटारे से क्या निकल कर आया? बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी को लेकर दो नाम हमारे सामने थे, उसका परिणाम हमारे सामने आया है। मनोज जौरासी और ब्रह्मपाल रावल, ये दो नाम सामने थे। ब्रह्मपाल रावल को 10.12% लोगों का समर्थन सीधे तौर पर मिल रहा है और वहीं मनोज जौरासी 89.88% लोगों के समर्थन के साथ ये रेस जननायक जनता पार्टी। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी में मनोज जौरासी 89.88% वोट्स के साथ सबसे आगे, ब्रह्मपाल रावल 10.12% वोट्स के साथ। जहां पार्टी में टिकटों को लेकर मारामारी है, वहीं जेजेपी में उम्मीदवारों की किल्लत जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मनोज जौरासी आगे हैं, काउंटिंग सेंटर एक बार फिर से एक और बड़ा फैसला सुनाने के लिए तैयार है। एक और बड़ा फैसला और आखिरी फैसला क्या निकल कर सामने आया है साकिर? जी बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा हुआ ये फैसला है। दो नाम हमारे सामने थे, लेखराज खट्टर और देवेंद्र सहरावत, दोनों के बीच सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है टिकट को लेकर। देवेंद्र सहरावत के पक्ष में 47% लोगों का समर्थन जाता दिख रहा है तो लेखराज खट्टर के समर्थन में 53% लोगों का समर्थन है। बिल्कुल, तो बड़ा फैसला इंडियन नेशनल लोकदल के संभावित उम्मीदवारों की रेस की अगर हम बात करें तो 47% वोट्स के साथ देवेंद्र सहरावत दूसरे नंबर पर, और क्योंकि दो ही संभावित उम्मीदवार गए थे जनता के बीच में, लेखराज खट्टर 53% वोट्स के साथ जनता की पसंद बने हुए हैं कि उम्मीदवारी अगर किसी को देनी है इनेलो की तरफ से समालखा में तो लेखराज खट्टर को दी जाए। साकिर बाबा शुक्रिया आपका मासा जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सारे संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और तमाम संभावित उम्मीदवारों को लेकर जनता ने क्या फैसला दिया ये भी सामने आ गया है। वीरेंद्र सोनी साहब, जेजेपी और इनेलो के प्रत्याशियों को उतारना तो खानापूर्ति नजर आता है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो कि सिटिंग एमएलए भी है उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। संभावना जैसे कि केबी पंडित साहब ने जताई थी कि रविंद्र मछौली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जुगत में लगे हुए हैं, अगर शामिल नहीं भी हो रहे हैं चुनावी मैदान में एक बार फिर से निर्दलीय उतरते हैं तो भी जनता भरोसा जताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 70.18% वोट्स मिले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक रविंद्र मछौली को अपने हाथ पार्टी में शामिल करने के लिए कोई पहल नहीं की है। देखिए, जब सरकार चलाना मुख्यमंत्री की मजबूरी है, मुख्यमंत्री को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए, उसके लिए उन्होंने सरकार चलाने के लिए निर्दलीय विधायकों का सहयोग लिया। तो हालांकि देखिए, पुंडरी से जो विधायक हैं दिनेश कौशिक है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। अब ये हालांकि रविंद्र मछौरी हंसे मजाक में भी कहते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि मैं तो डीसी रेट पे लगा कर्मचारी हूं, अब तो मुझे पक्का कर दो, तो मुख्यमंत्री ने भी उन बात को डाल दिया। मतलब इससे संकेत को आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वहां संगठन के लोग हैं वो रविंद्र मछौरी को अपने लिए चुनौती मानते रहे हैं, हालांकि उनको संगठन की बैठकों में कभी नहीं बुलाया गया। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री ने रैली की यार वहां जी, और अब भारतीय जनता, बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी पंडित साहब रविंद्र मछौली जुगत में भले ही लगे हुए हो, भले ही जुगत में लगे हुए हो, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले सुजीत जी की प्रतिक्रिया इसी सवाल पर लूंगी। सुजीत जी, आयाराम दयाराम वाली स्थिति सबालखा के अंदर तो है, लेकिन बीजेपी के अंदर कितनी नजर आएगी आपको? क्या रविंद्र मछौली को शामिल किया जाएगा? अगर शामिल किया जाएगा तो क्या टिकट दिया जाएगा? ये वाली स्थिति आप बीजेपी में कितनी देखते हैं? देखिए, वीरेंद्र सोनी जी ने अभी साफ कर दिया कि जब खुद रविंद्र मछरौली ने जो है वहाँ पर इच्छा जताई थी मुख्यमंत्री के सामने कि मैं डीसी रेट पर लगाऊं, मुझे अब तो पर, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी संशय बना हुआ है उनको शामिल कराया जाए या नहीं कराया जाए, और रविंद्र मछरौली में भी इस बात को लेकर संशय है कि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक उनको ये आश्वासन नहीं मिलेगा कि उनको टिकट पक्के तौर पर लेगी, तब तक हो सकता है उस बात का वो इंतजार कर रहे हो। लेकिन बीजेपी अभी जिन लोगों को अपने दल में शामिल करा रही है वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो भी कहते हैं, बीजेपी भी कहती है और शामिल होने वाला भी व्यक्ति कहता है
कि टिकट पक्की नहीं है, मतलब किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और वो अपनी मर्जी से ही शामिल हो रहे हैं तो और बीजेपी में आस्था जता रहे हैं। तो रविंदर मछरौली की जहां तक बात है तो अभी तक तो उनकी स्थिति साफ नहीं है। दूसरी, निर्दलीय होने के नाते वो अपने क्षेत्र में चाहे जितना कह सकते हैं सत्ताधारी दल के होते या किसी पार्टी में होते तो हो सकता है ज्यादा विकास करा पाते, लेकिन निर्दलीय होने के नाते वहां जो भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में या और जगहों पर जो विकास कराने की बात थी वो उतना नहीं करा पाए। दूसरी बात है कि रविंद्र मछरौली चुनाव जीतने से पहले या चुनाव मैदान में उतरने से पहले 2014 के जितनी उन्होंने मेहनत की थी, लोगों की सेवा की थी, वो विधायक बनने के बाद शायद वहां कमी रह गई है। उसी कमी की वजह से अभी आप देख रहे हैं कि जो पिछली बार 13 उम्मीदवार थे वहां पर सिर्फ 4 उम्मीदवार रेस में रहे और 7 उम्मीदवारों को 1000 के आसपास वोट मिला था और 5000 में सारे सिमट गए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रविंद्र मछरौली की जो लोकप्रियता थी पिछली बार बहुत ज्यादा थी, इस बार वो 70% के आसपास है तो कम दिख रही है पिछली बार। और समालखा की जो जनता है वो प्रयोग करने से पीछे नहीं हटती है। केवी पंडित साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, जहां जेजेपी और इनेलो के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना महज औपचारिकता है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, वहीं निर्दलीय विधायक कड़ी टक्कर देते हुए, मुकाबला कैसा देखते हैं आप? मछरौली साहब उम्मीदवार तो ठीक है, लेकिन चूंकि समाज में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, अगर इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो आए तो वो उतने सफल नहीं होंगे, बीजेपी को ये जीत हासिल होगी। ये बात अलग है, एक पार्टी फैसला कर ले रविंद्र मछरौली को बीजेपी में ले ले तो तगड़े उम्मीदवार हैं, अगर नहीं है तो निर्दलीय के रूप में उतने तगड़े उम्मीदवार नहीं होंगे। शशिकांत कौशिक ज्यादा प्रभावी रहेंगे और चूंकि पार्टी की समाज में स्थिति, हल्के में स्थिति मजबूत है, इसलिए पार्टी के फैसले पर मछरौली का भविष्य निर्भर करता है। जी देवेंद्र, जो बात केवी पंडित साहब कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर पार्टी में ले लिया जाए रविंद्र मछरौली को, बीजेपी में ले लिया जाए तो जनता भरोसा जताएगी? क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर थी, जब खट्टर सरकार बनी थी, तब भी भरोसा नहीं जताया था शशिकांत कौशिक पर, रविंद्र मछरौली पर भरोसा जताया था जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। इत्तेफाक रखते हैं आप केवी पंडित साहब की बात से? कट गया फोन। देवेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? देवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सुजी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी सर आपसे, अगर हम ये पूरी ओवरऑल स्थिति को देख रहे हैं, सारे संभावित उम्मीदवार निकलकर सामने आ गए हैं, इन सभी संभावित उम्मीदवारों में आप क्या देखते हैं, कौन किस पर कितना भारी है, और अगर रविंद्र मछरौली को बीजेपी में ले भी लिया जाए तो क्या लगता है आपको, जनता भरोसा जताएगी? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पीछे नहीं हटती है जनता। बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन अभी रविंद्र मछरौली की जो स्थिति है, बतौर निर्दलीय एमएलए हैं, मैंने जैसे कहा कि वो पिछली बार जब चुनाव मैदान में उतरने वाले थे उससे पहले जितना उन्होंने मेहनत किया था या जनता के बीच में सेवा का काम किया था, वो शायद 5 साल में वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं दिखी। यही वजह है कि उनकी पकड़ जो है समालखा में ढीली हुई है, और बीजेपी के जो शशिकांत कौशिक हैं कहीं ना कहीं वो उनकी मजबूत दावेदारी वहां पर बन रही है, और पार्टी में रहते हुए हमें लगता है कि जिस तरीके से अभी तक उनको रविंद्र मछरौली को शामिल नहीं कराया गया है, इससे लग रहा है कि पार्टी अभी भी शशिकांत कौशिक पर ही दांव लगाने की स्थिति में है। यही वजह है कि रविंद्र मछरौली को ज्यादा तवज्जो अभी पार्टी नहीं दे रही है। जी देवेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी सुन पा रहा हूँ जी। देवेंद्र, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, पूरी स्थिति को देखने के बाद अगर रविंद्र मछरौली को बीजेपी में शामिल करवा भी लिया जाए, क्या लगता है आपको, शशिकांत कौशिक भारी पड़ेंगे या रविंद्र मछरौली भारी पड़ेंगे, और रविंद्र मछरौली पर क्या दोबारा से जनता भरोसा जता पाएगी समालखा की? देखिए रंजना, रविंद्र मछरौली की एक विधायक के तौर पे अगर मूल्यांकन करें तो बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जीतने के बाद उन्होंने धन्यवादी दौरा तक नहीं किया। हालांकि वो एक ऐसे विधायक है जब कभी मन से भाषण देना पड़े हंसी मजाक कर लेते हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन विधायक के तौर पर जो उम्मीदें लोग करते हैं, जो अपेक्षाएं करते हैं, जिस तरह की भूमिका चाहते हैं, मेरे को लगता है उसमें कमजोर रहे हैं। हालांकि अब जो हमारे वोटिंग में आया कि निर्दलीय के तौर पर दोबारा आए तो अभी भी अच्छे खासे लोग इनके साथ हैं, लेकिन काम की बात करें, विधायक की भूमिका की बात करें,
लोगों की उम्मीदें पूरी करने की बात करें तो मेरे को लगता है उस मामले में कमजोर पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र सोनी साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, क्या आपको संभावनाएं लगती हैं रविंद्र मछरौली अगर निर्दलीय उतरते हैं तो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? बहुत संक्षेप में सर। नहीं, बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में तो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्लस 43 मिशन का जो अपना संकल्प पूरा करना है तो पार्टी अपने कार्यकर्ता पर ही दाव लगाना पसंद करेगी और कार्यकर्ता उसके पास कमी नहीं है और लहर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय जेजेपी इनेलो सभी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता ने अपनी राय भी बता दी है। समालखा की जनता किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जता रही है ये हमने आज आपको बताया। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा के सर्वे के साथ जनता की राय को लेकर। रेस 2019 में कौन कितना मजबूत दावेदार है ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा टोटल टीवी के साथ।